डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज पोलिनेशन। ठीक है, तो ऑलरेडी तुम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने मेल गैमेट का फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, पोलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर, एम्ब्रायोसेक का स्ट्रक्चर, ये सब कंप्लीट किया है। ठीक है, अब हमें पढ़ाई करना है कि गैमेट जो है वो गैमेट कैसे ट्रांसफर होगा। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया है कि जो पहले प्रिमिटिव प्लांट था, जैसे कि एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया या फिर टेडोफाइट हो गया, ये सब में मेल गैमेट जो है ये किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, वाटर के थ्रू ट्रांसफर होता है। बट जब भी हम हायर ऑर्गेनिज्म पहुंच जाते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हायर ग्रुप ऑफ प्लांट में मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, और जहाँ पे मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, अगर मान लो मेल गैमेट नॉन मोटाइल है, मतलब फ्लैजेला नहीं है, तो हमारे पास क्या होता है, पोलिन ग्रेन बन जाता है और पोलिन ग्रेन मेल गैमेट को ट्रांसफर करवाते हैं। और ये जो पोलिन ग्रेन का ट्रांसफर होने का प्रोसेस है, हम इसे पोलिनेशन बोलते हैं। ये पोलिनेशन प्रोसेस जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये दोनों प्लांट में मिलता है बेसिकली। ठीक है, बाकी एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, ये सब प्लांट में पोलिनेशन प्रोसेस नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में हमें ये पोलिनेशन प्रोसेस मिलता है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। जैसे कि क्लास 11 में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जिम्नोस्पर्म में जब पोलिनेशन होता है, ये पोलिनेशन बस विंग के थ्रू होता है, एयर बस पोलिन ग्रेन को ट्रांसफर करवा सकते हैं। बट एंजियोस्पर्म में जब ये प्रोसेस होता है, एंजियोस्पर्म में विंड, वाटर, ठीक है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सब पोलिनेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। मतलब वेराइटीज ऑफ एजेंट्स आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, बट जिम्नोस्पर्म में बस हमें विंड पोलिनेशन ही मिलता था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्रोसेस में डिफरेंस है, बट अदरवाइज ये पोलिनेशन प्रोसेस हमें दो ग्रुप ऑफ प्लांट में मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में मिलेगा एंड एंजियोस्पर्म में मिलेगा। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, दैट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट में, ये पोलिनेशन प्रोसेस कैसे होगा और ये क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे फ्लावरिंग प्लांट का पोलिनेशन प्रोसेस। सो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, तो पोलिन ग्रेन जब एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है फ्लावर की, तब हम इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, यही प्रोसेस पोलिनेशन है। सपोज ये एक प्लांट है मेरे पास और इसमें मान लो एक फ्लावर है। ठीक है, तो ये फ्लावर में ये रहा स्टैमेन और मान लो ये है कार्पेल, कोई भी एक बाइसेक्शुअल फ्लावर है मान लेते। तो अब अगर यहाँ से पोलिन ग्रेन निकल के, यहाँ से पोलिन ग्रेन निकल के यहाँ तक ट्रांसफर होता है, ये कार्पेल में ट्रांसफर होता है, हम इसी प्रोसेस को बोलते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, पोलिनेशन प्रोसेस है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेम फ्लावर में ही ये प्रोसेस होगा। ये पोलिन ग्रेन निकल के मान लो यहाँ पे और एक फ्लावर था, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो और एक फ्लावर था और ये पोलिन ग्रेन यहाँ से निकल के इस फ्लावर में जा रहा है, तभी हम लोग पोलिनेशन ही बोलेंगे। मतलब हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनेशन मिलेगा। और ये जब पोलिनेशन होता है, ये किसी और प्लांट में भी जाके, सेम स्पीसीज का कोई और प्लांट में जाके भी ये प्रोसेस हो सकता है। और यहाँ पे पोलिन ग्रेन को ट्रांसफर करवाने के लिए कुछ एजेंसीज की जरूरत पड़ेगा, जैसे कि विंसेक्ट, ठीक है, तो ये सब हम नॉर्मली पोलिन ग्रेन को कैरी करेंगे। बट एजेंट के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या टाइप का पोलिनेशन मिलेगा। तो जैसे हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे कि पोलिनेशन जो है वो बेसिकली इज ऑफ टू टाइप्स, हम ऐसा बोलते हैं कि पोलिनेशन जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, मतलब सेम प्लांट के अंदर पोलिनेशन जब होता है, और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन।
ठीक है, बट एनसीईआरटी ने कुछ डिफरेंट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी का यूज किया है, तो ये क्या है? तो हम लोग अब अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि सेल पोलिनेशन जो है ये दो प्रोसेस से हो सकता है, ठीक है, कौन सा दो प्रोसेस से हो सकता है? हम लोग नॉर्मली सेल पोलिनेशन का और एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आता है ओटोगेमी, ठीक है, और क्रॉस पोलिनेशन के लिए और एक वर्ड आता है जेनोगेमी, बट एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है तो वो हम लोग देखते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें मिलेगा कि ये पोलिनेशन कितना टाइप्स का एनसीईआरटी दे के रखा है, 3 टाइप्स का दे के रखा है, एक दे के रखा है ओटोगेमी, सेकेंड दे के रखा है गेटोनोगेमी, एरे थर्ड डे के रखा है यहाँ पे जेनोगेमी, ठीक है। ये गेटोनोगेमी एंड जेनोगेमी एक्चुअली क्या होता है, गेटोनोगेमी को बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो है जेनेटिकली ये सेल पोलिनेशन होता है बट इकोलॉजिकली ये क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक है। तो ये बात को हमें थोड़ा यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि गेटोनोगेमी इज जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन बट इकोलॉजिकली क्रॉस पोलिनेशन। तो ऐसा क्यों बोला जाता है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत लोग गेटोनोगेमी एंड जिनोगेमी को एक साथ मिला के एलोगेमी वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। गेटोनोगेमी एंड जेनोगेमी को मिला के यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज, मैंने बोला है कि एलोगेमी वर्ड भी बहुत लोग यूज करते हैं, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे गेटोनोगेमी एंड जिनोगेमी टुगेदर ऑल्सो नोन एज एलोगेमी। तो मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं हमारे पास दो टाइप का पोलिनेशन है, एक ऑटोगेमी एक हो गया एलोगेमी, ठीक है। बट हम लोग एनसीईआरटी के बेसिस पे ही नॉर्मली याद रखेंगे, एनसीईआरटी में 3 दे के रखा है, ऑटोगेमी दे के रखा है, गेटोनोगेमी दे के रखा है, जिनोगेमी दे के रखा है, ठीक है। तो अब फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ऑटोगेमी के बारे में कि ऑटोगेमी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ऑटोगेमी का मतलब ये है, देखो सिंपली मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे। मान लो मेरे पास एक प्लांट है और ये फ्लावर जो है मेरे पास ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। ये फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि सेम फ्लावर में सेमेन भी प्रेजेंट होगा, सेम फ्लावर में कार्पेल भी प्रेजेंट होगा। तो अब अगर सपोज यहाँ पे यहाँ से पोलिन ग्रेन निकल के यहाँ तक आते हैं, मतलब सेम ही फ्लावर के एंटर से अगर स्टिग्मा में पोलिन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, तब हम इस प्रोसेस को बोलेंगे कि ये हो रहा है प्योर सेल पोलिनेशन या फिर ऑटोगेमी, ठीक है। इसमें कोई पोलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता, ये जेनेटिकली भी सेल पोलिनेशन है, मतलब सेम फ्लावर, ये जो सेमेन एंड कार्पेल है सेम फ्लावर के ही बिलोंग करते हैं, सेम फ्लावर से बिलोंग करते हैं, सेम प्लांट से बिलोंग करते हैं, तो जेनेटिकली तो सेम होगा ही। और इकोलॉजी के लिए यहाँ पे कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ता पोलिनेशन के लिए। तो हम बोलते हैं कि ये जो ऑटोगेमी है दिस इज जेनेटिकली एज वेल एज इकोलॉजिकली सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, जेनेटिकली एज वेल एज इकोलॉजिकली सेल्फ पोलिनेशन है। तो अब देखो ध्यान से, मैं डेफिनेशन लिखती हूं, ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर
टू सिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज नोन एज ऑटोगेमी। जब पोलेन ग्रेन सेम ही फ्लावर के एंथर से निकल के कार्पेल तक जाएगा, सिग्मा तक जाएगा, तब हम इस प्रोसेस को ऑटोगेमी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑटोगेमी होने का कुछ कंडीशंस है, वो हम आगे जाके अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में ये ऑटोगेमी हो सकता है। ठीक है, ऑटोगेमी होने के लिए पहला तो पॉइंट एक है कि फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना ही पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ पे अगर लिखूं कि कंडीशंस, अगर मैं ऐसा लिखूं कंडीशंस फॉर ऑटोगेमी, तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा कि फ्लावर को ऑटोगेमी करने के लिए बाइसेक्सुअल होना ही पड़ेगा, है ना। बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। सपोज मान लो ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता, मान लो सिर्फ स्टेमेन होता या सिर्फ कार्पेल होता, तो क्या ये पॉसिबल होता? ये कभी नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखा है डेफिनेशन में, ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, तो अगर मान लो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर में दोनों स्टेमेन कार्पेल प्रेजेंट होता है, तो चांसेस रहेगा कि कौन सा उसमें पोलिनेशन हो, ऑटोगेमी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल टू परफॉर्म ऑटोगेमी। ठीक है, फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना पड़ेगा ऑटोगेमी करने के लिए। अब मैं और एक बात को यहाँ पे समझाती हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे इस प्लांट में एक फ्लावर था, कैसा फ्लावर था? बाइसेक्सुअल। ठीक है, ये फ्लावर था बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो ये फ्लावर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर था, तो यहां से पोलेन ग्रेन आके यहां तक गिरेगा तो ऑटोगेमी होगा। तो एक फर्स्ट पॉइंट है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो मैं बोलूं कि चांसेस है इस फ्लावर में ऑटोगेमी होगा। लेकिन एक बात को सुनो, अगर स्टेमेन एंड कार्पेल का मैच्योरिटी का जो टाइम है वो अगर अलग होता है, मान लो स्टेमेन जो है बहुत पहले मैच्योर हो गया, मतलब पोलेन ग्रेन जो है वो बहुत पहले बन गया, है ना, और उसके बहुत दिन बाद स्टिग्मा मैच्योर हो रहा है, पोलेन बहुत पहले ही निकल गया है और बहुत दिन के बाद स्टिग्मा मैच्योर हुआ है, तो अब ये पोलेन ग्रेन का रिलीज एंड स्टिग्मा का जो मैच्योरिटी है वो सेम टाइम पे तो हुआ नहीं, तो टाइम तो सिंक्रोनाइज कर नहीं पाया। एक बहुत पहले मैच्योर हो गया और बहुत पहले पोलेन ग्रेन निकाल लिया, और एक बहुत लेट से मैच्योर हो रहा है। तुम लोगों को मैंने एक बात समझाया था कि पोलेन ग्रेन जब निकल जाते हैं, किसी किसी प्लांट राई स्वीट में इसका वायबिलिटी पीरियड रहता है 30 मिनट, और रोजेसी लेगुमिनोसी सोलानेसी फैमिली में ये बहुत अमाउंट तक अच्छा रह सकता है, बट किसी किसी प्लांट में तो ये बस 30 मिनट के लिए अच्छा होता है। मान लो वो टाइमिंग सेम नहीं हुआ, ये निकल गए बहुत पहले और ये बहुत लेट से मैच्योर हो रहा है, तो बाइसेक्सुअल होने के बाद भी अब क्या होगा, इसमें तो पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो याद रखना कि फ्लावर सिर्फ बाइसेक्सुअल होने से ही 100% ऐसा कंफर्म नहीं है कि उसमें हमेशा ऑटोगेमी होगा। बाइसेक्सुअल के साथ साथ अगर मान लो होमोगेमी हो रहा है, होमोगेमी हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभी चांसेस है सेल्फ पोलिनेशन होने का। तो होमोगेमी का मतलब है मैच्योरिटी टाइम ऑफ एंथर एंड सिग्मा इज सेम। अगर सिग्मा एन एंथर का मैच्योरिटी टाइम सेम होता है, ठीक है, मतलब पोलेन ग्रेन जब रिलीज होता है उस टाइम पे अगर स्टिग्मा मान लो रिसेप्टिव बन जाता है, तभी चांसेस है कि सेल पोलिनेशन होगा। ठीक है, तो और एक बात मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। मान लो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से बना रही हूँ, मान लो फ्लावर बाइसेक्सुअल है
और फ्लावर में ये एंथर्ड एंड स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर हो भी रहा है, बट ये चांसेस तो अभी भी है कि ये फ्लावर ओपन है, तो हो सकता है कि कोई और का पोलिन ग्रेन इसके ऊपर आ जाए, आ गया इस कार्पेल के ऊपर, इस स्टिग्मा के ऊपर किसी और का पोलिन ग्रेन आ गया। इसका पोलिन ग्रेन आने से पहले ही किसी और का पोलिन ग्रेन इसकी सरफेस में आके जर्मिनेट हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में बाइसेक्सुअल होने के बाद भी क्या है कि सेल पोलिनेशन नहीं भी हो सकता है, ऑटोगेमी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कोई कोई केस में ऐसा समझो कि अगर ये फ्लावर बंद होता, तो मान लो ये फ्लावर है, इसमें स्टेमेन भी है, इसमें कार्पेल भी है, मतलब बाइसेक्सुअल है, मैच्योरिटी टाइम भी ऑलमोस्ट सेम है, और ऊपर से ये फ्लावर जो है ना ये बंद है, कम्प्लीटली बंद है, मतलब क्या बाहर से कोई भी पोलिन नहीं आ पाएगा, किसी और का पोलिन ग्रेन नहीं आ पाएगा। तो अगर ऐसा कंडीशन हुआ तब तो 100% कंफर्म है कि इस फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन, दैट मीन्स ऑटोगेमी ही होगा। तो कोई कोई प्लांट ऐसे बंद फ्लावर बनाते हैं, और ऐसा जो बंद फ्लावर होता है हम इसे क्लेस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने और एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, क्लेस्टोगेमी के बारे में यहाँ पे, दैट इज क्लेस्टोगेमी, ठीक है। तो क्लेस्टोगेमी में होता क्या है कि फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड दे नेवर ओपन। अगर फ्लावर हमेशा बंद रहता है, वो कभी ओपन नहीं होता, तब हम उसे क्लेस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं, और ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेस्टोगेमी। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जहां पे हमें क्लेस्टोगेमस फ्लावर मिलेगा, तो एनसीईआरटी ने इसका एग्जाम्पल भी लिख दिया है। एनसीईआरटी ने बोला है कि क्लेस्टोगेमस फ्लावर जो है, ठीक है, वो मिलने वाला है वायोला, इसका कॉमन नेम भी दिया हुआ है कॉमन पैंसी, देन कॉमेलिना, देन ऑक्सेलिस। वायोला, कॉमेलिना, ऑक्सेलिस, ये सब में हमें क्लेस्टोगेमस फ्लावर मिलता है, बट एक चीज है कि इसमें सारा फ्लावर क्लोज होगा, ऐसा कोई बात नहीं होता कि कुछ फ्लावर ऐसा भी होगा जो ओपन होता है। तो वायोला, कॉमेलिना, ऑक्सेलिस में क्लेस्टोगेमस फ्लावर तो मिलेगा, साथ साथ यहाँ पे ओपन फ्लावर भी मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेस्मोगेमस, जो फ्लावर हम लोग नॉर्मली देखते हैं ना ओपन, तो उसको हम लोग सेस्मोगेमस फ्लावर बोलते हैं। तो इसमें क्लेस्टोगेमस फ्लावर के साथ साथ सेस्मोगेमस फ्लावर भी हमें देखने के लिए मिलेगा। तो देखो ये जो क्लेस्टोगेमी प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे फ्लावर क्लोज है कम्प्लीटली, बाहर से कभी पोलिन ग्रेन आएगा नहीं, यहाँ पे हमेशा सेल्फ पोलिनेशन ऑटोगेमी ही होगा, है ना। तो यहाँ पे ये फ्लावर कभी भी कोई पोलिनेटिंग, जो क्लेस्टोगेमस फ्लावर है वो कभी भी पोलिनेटिंग एजेंट के ऊपर, पोलिनेटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, मतलब कोई इंसेक्ट से हेल्प नहीं लेगा, जरूरत ही नहीं है। फ्लावर बंद है तो वहां से जो एंथर से पोलिन ग्रेन निकलेगा वही स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरेगा। तो यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन होता है नीचे में, ठीक है, इन व्हिच ऑफ द प्लानी, एनसीईआरटी का एक लाइन भी है, इन Which of the plant seed set is assured even in absence of pollinator? तो ये क्वेश्चन में कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं, कॉमेलिना दे सकते हैं, ऑक्सेलिस दे सकते हैं, ठीक है। बात हम लोग क्या याद करेंगे कि जो फ्लावर क्लेस्टोगेमस फ्लावर है वो फर्टिलाइजेशन के लिए, वो पोलिनेशन के लिए कभी भी कोई पोलिनेटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा,
ठीक है, तो ये हमारा जो ऑटोगेमी वाला पैराग्राफ है एनसीईआरटी में यही लिखा है। अगर तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ के देखोगे वहां पे क्या है ना, एक साथ लिखा है, मैंने कुछ वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट को तुम लोगों को निकाल के दिया है। तो देखो मैं एनसीईआरटी वाला लाइन को पढ़ रही हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनना कि एनसीईआरटी ने लिखा है, ऑटोगेमी में लिखा है, इन दिस टाइप पोलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। मतलब क्या बोला गया है कि हमारे पास एक फ्लावर है, इस फ्लावर में स्टेमेन भी है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस फ्लावर में कार्पेल भी है और इसी के बीच पोलिनेशन होगा। जब इसी के बीच पोलिनेशन होगा तब हम बोलेंगे कि दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोगेमी। ठीक है, फिर अच्छे से लाइन लिखा है, ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम द एंटर, ये एंटर है, टू द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है ऑफ द सेम फ्लावर, ये एक ही फ्लावर है। ठीक है, तो अब देखो उसके बाद एनसीईआरटी ने लिखा है, इन अ नॉर्मल फ्लावर व्हिच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंटरेंस स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगेमी इज रादर रेयर। देखो अगर कोई फ्लावर ओपन है, मैंने क्या समझा, अगर फ्लावर ओपन है बाइसेक्सुअल होने के बाद भी ऑटोगेमी होने का चांसेस जो है वो कम होता है। क्यों कम होता है, मे बी मैच्योरिटी टाइम सेम नहीं है और फिर कहीं बाहर से पोलिन ग्रेन आ गया है, मतलब फ्लावर तो ओपन है, मतलब जैसे कि घर का अगर तुम दरवाजा ओपन रखोगे बाहर से कोई भी आ सकता है कि नहीं, तो बंद क्यों रखते हैं, अनवांटेड किसी को हमें अंदर नहीं आने देना है। तो ये फ्लावर ओपन रहेगा तो कोई भी पोलिन ग्रेन आ जाएगा, अगर उसको घर के पोलिन से ही पोलिनेशन करवाना है तो फिर दरवाजा बंद रखना पड़ेगा, मतलब क्लेसोगेमा फ्लावर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो उसके बाद एनसीईआरटी ने लिखा है, ऑटोगेमी इन सच फ्लावर, जहां पे मान लो ऑटोगेमी होना होने का चांसेस कम रहता है, लिखा है ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनिन पोलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो मैंने क्या समझाया, मैंने जो पॉइंट होमोगेमी के अंदर लिखा है वही बात एनसीईआरटी ने बोला है कि अगर हमें ऑटोगेमी करवाना है बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो ये पोलिन ग्रेन का, ठीक है, ये पोलिन ग्रेन का जो रिलीज का टाइम है वो पीरियड एंड स्टिग्मा का जो रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा जब पोलिन ग्रेन को ले पाएगा मैच्योर हो जाएगा वो पीरियड में सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, सेम टाइम पे पोलिन ग्रेन रिलीज होगा सेम टाइम में स्टिग्मा जो है वो मैच्योर होगा तो ही चांसेस है कि ऑटोगेमी होगा। इसके बाद एनसीईआरटी ने फिर लिखा, द एंटर एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पोलिनेशन कैन ओकर। और देखो अगर मान लो स्टेमेन एंड कार्पेल बहुत दूर रहता है तभी तो नहीं होगा, क्योंकि तब पोलिन ग्रेन कैसे पहुंचेगा, ये तो कोई पोलिनेटर का हेल्प नहीं लेते। तो इसमें स्टिग्मा स्टेमेन एंड कार्पेल को क्लोजली भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। फिर देखो फिर एनसीईआरटी बताया, सम प्लान सच एज वायोला ऑक्सेलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर। मैंने बोला था कि इसमें दोनों फ्लावर होता है, पहले जो लिख दिया है मैंने कि इसमें क्लेस्टोगेमस फ्लावर मतलब जो बंद फ्लावर होता है, क्लेस्टोगेमस वर्ड का मतलब है कि क्लोज फ्लावर, ठीक है, सेस्मोगेमास का मतलब है कि ओपन फ्लावर। तो वायोला कॉमेलिना ऑक्सेलिस ये तीन एग्जांपल एनसीईआरटी में है, ये क्लेस्टोगेमास एज वेल एज सेस्मोगेमास दोनों ही फ्लावर बनाते हैं। ठीक है, और क्लेस्टोगेमास के बारे में क्या बोला है एनसीईआरटी ने कि इन सच फ्लावर द एंटर एंड द स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, जो क्लेस्टोगेमास फ्लावर होगा, मान लो मेरे पास एक क्लेस्टोगेमास फ्लावर है, ऐसे बंद फ्लावर है, इसमें स्टेमेन एंड कार्पेल जो है वो बहुत ही क्लोजली प्रेजेंट होगा। ठीक है, व्हेन एंटर डेहिसेस इन द फ्लावर बड पोलिन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा टू अफेक्ट पोलिनेशन। ये बहुत पास में है, जब पोलिन ग्रेन निकलेगा यहाँ से एंटर बर्स्ट होगा, डेहिसेंस होगा एंटर का, वो आके ये स्टिग्मा के ऊपर ही गिर जाएगा। ठीक है, तो देखो दस क्लेस्टोगेमास फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमास एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। मैं क्या बोल रही हूँ, बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है तो भी चांसेस है कि उसमें क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा, या फिर फ्लावर अगर सेम टाइम में मैच्योर हो भी रहा है स्टिग्मा एंड एंटर तो भी चांसेस है कि क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर फ्लावर क्लेस्टोगेमा से बंद है तो भी कोई चांसेस नहीं है कि इसमें आके क्रॉस पोलिनेशन होगा, इसमें हमेशा ही कौन सा पोलिनेशन होगा, ऑटोगेमी होगा। ठीक है, तो लास्ट लाइन वहां पे लिखा है, क्लेस्टोगेमा फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। और वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में।
ठीक है, इन विच ऑफ द प्लांट सीड्स इट इज अस्योर्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। तुम लोग जब आगे आगे पोलिनेशन के बारे में पढ़ोगे तुम लोग को ये पता चलेगा कि बहुत सारा प्लांट कोई एक पर्टिकुलर इंसेक्ट के ऊपर पोलिनेशन के लिए डिपेंडेंट रहता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पोलिनेटिंग एजेंट की कोई जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो तुम्हारा फ्लावर है वो कभी भी कोई भी पोलिनेटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, और उसके बिना भी यहाँ पे 100% कंफर्म है कि पोलिनेशन होगा, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा, आगे जाके सीड बनेगा। ठीक है, ये 100% कंफर्म होता है। तो इसके बाद सेल्फ पोलिनेशन जो हम बोलते हैं, इसमें और एक टाइप आता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गेटोनोगेमी। बट गेटोनोगेमी को देखो, हम लोग डायरेक्टली सेल्फ पोलिनेशन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन ही होता है, बट इकोलॉजिकली ये जो है ये क्रॉस पोलिनेशन होता है इकोलॉजिकली। तो गेटोनोगेमी होता क्या है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट में मेरे पास फ्लावर्स है, लेकिन ये फ्लावर है मेरे पास एक मेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल स्टेमिनेट। देखो मेल फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक है। तो अगर ये यूनिसेक्सुअल स्टेमिनेट फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, दैट मीन्स ये बस पोलिन ग्रेन बनाएगा, है ना। और यहाँ पे मेरे पास ये है एक यूनिसेक्सुअल पिसिलेट फ्लावर, ठीक है, ये फ्लावर जो देख रहे हो दिस इज यूनिसेक्सुअल पिसिलेट फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल पिसिलेट फ्लावर का मतलब है कि इसमें बस हमें कार्पेल मिलेगा, पिस्टिल मिलेगा, दैट मीन्स ये फ्लावर है फीमेल फ्लावर। लेकिन ये मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों सेम प्लांट से ही बिलोंग करते हैं, तो ऐसा प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, ऐसा प्लांट को हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं कि दिस प्लांट इज अ मोनोसियस प्लांट, है ना। प्लांट बाइसेक्सुअल है, प्लांट बाइसेक्सुअल है, ध्यान से सुनो, प्लांट बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मेल अलग अलग फीमेल फ्लावर है। लेकिन प्लांट जो देख रहे हो तुम लोग, ये प्लांट हमारे पास कैसा प्लांट है, ये मोनोसियस प्लांट है, ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट जो बनेगा अल्टीमेटली वो सेम प्लांट से ही बनेगा, है ना। एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी देके रखा है, बाद में देके रखा है कि कैस्टोर है ऐसा प्लांट, मेज है जो कि मोनोसियस है, ठीक है, मोर मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। तो अब देखो, अगर मान लो पोलिन ग्रेन यहां से निकला, यहां से पोलिन ग्रेन निकला और ये पोलिन ग्रेन जाके इसी प्लांट में दूसरे फ्लावर में गया, तब हम बोलेंगे कि इसमें देखो फ्लावर दोनों सेम प्लांट से ही बिलोंग करते, ठीक है, सेम प्लांट से ही बिलोंग कर रहे। तो ये एक्चुअली में तो जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन ही हो रहा है क्योंकि सेम टाइप का जीन ही होगा, बट इसमें पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगा, कोई इंसेक्ट उसे लेके जाएगा या विंड उसको लेके जाएगा। तो इकोलॉजिकली ये कैसा हो जाता है, क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो गेटोनोगेमी का मतलब क्या है, तो गेटोनोगेमी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो गेटोनोगेमी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, सॉरी डिफरेंट फ्लावर बिलोंग टू सेम प्लांट, ठीक है, सेम प्लांट होगा लेकिन फ्लावर अलग होगा। तो देखो ऑलरेडी मैंने एक बात बताया कि दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इन्वॉल्व पोलिनेटिंग एजेंट। ऑटोगेमी में कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे इंसेक्ट की, बर्ड या फिर विंड की जरूरत पड़ेगा पोलिनेशन करने के लिए, ठीक है। और ऑलरेडी एक लाइन मैंने लिखा कि जेनेटिकली ये सेल्फ पोलिनेशन ही है क्योंकि दोनों फ्लावर सेम प्लांट से ही बिलोंग करते हैं, है ना। तो जेनेटिकली ये जो गेटोनोगेमी हम लोग देख रहे हैं ये सेल्फ पोलिनेशन है, बट इकोलॉजिकली, ठीक है, इकोलॉजी के लिए ये क्या होता है तुम्हारा
यहाँ पे इकोलॉजिकली क्या होगा, ये क्रॉस पोलिनेशन होगा, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, पोलिनेटिंग एजेंट लग रहा है, ठीक है। तो जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन, इकोलॉजिकली क्रॉस पोलिनेशन, इसीलिए बहुत लोग क्या करते हैं, एलोगेमी नाम देके एलोगेमी के अंदर गेटनोगेमी एंड क्रॉस पोलिनेशन दोनों को रख देते हैं। अब एनसीईआरटी में जो थर्ड टाइप का पोलिनेशन के बारे में दिया गया है, डेट इज जीनोगेमी, जिसको हम लोग एक्चुअली बोल सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली ट्रू क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो अब मान लो जैसे कि पपाया का एग्जाम्पल ले लो, तो ये प्लांट है मेल प्लांट, क्योंकि इसमें जो फ्लावर है ये कैसा फ्लावर है, स्टेमिनेट फ्लावर, और यहां पे जो हमारे प्लस फ्लावर है, ये जो हमारे प्लस फ्लावर है ये पिस्टिलेट फ्लावर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज जो है दिस इज द फीमेल प्लांट, ठीक है। तो अगर पोलिन ग्रेन, यहां से पोलिन ग्रेन निकल के यहां तक जाएगा, ठीक है, देखो दूसरे प्लांट में गया और फ्लावर भी अलग फ्लावर में गया, तब हम बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, जीनोगेमी हो रहा है। ये एक्चुअली दो अलग अलग ये देखो पोलिन ग्रेन एक प्लांट से है, ये कार्पेल किसी और प्लांट से है ना, तो ये जेनेटिकली पूरा अलग होगा और पोलिनेटिंग एजेंट लगेगा, तो इसमें जेनेटिकली इकोलॉजिकली दोनों साइड से ही ये क्रॉस पोलिनेशन है। तो ऐसा एग्जाम्पल बहुत दिखाई देगा, जो नॉर्मली जैसे पपाया, ठीक है, पपाया में ये दिखाई देगा, पपाया है, डेट पाम है, ये सब में हमें ये प्रोसेस दिखाई देता है, जेनोगेमी दिखाई देता है। तो जेनोगेमी का मैं डेफिनेशन लिख देती हूं, ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of different flower belong to different plant, ठीक है, एंड ये जेनेटिकली भी क्रॉस पोलिनेशन है, ठीक है, जेनेटिकली भी क्रॉस पोलिनेशन है, इकोलॉजिकली भी क्रॉस पोलिनेशन है। एंड याद रखना कि नेचर नॉर्मली क्रॉस पोलिनेशन को ही प्रिफर करते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली अलग अलग क्या करते हैं, कैरेक्टर को साथ लाते हैं, तो नेचर नॉर्मली क्रॉस पोलिनेशन को ही प्रिफर करते हैं, क्योंकि तभी जो है अच्छा कैरेक्टर आएगा, नया कैरेक्टर आएगा, अदरवाइज क्या होगा, एक प्लांट के अंदर जो कैरेक्टर है वही घूम फिर के जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन पास होता जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में जो हमने पढ़ा गेटोनोगेमी एंड जीनोगेमी, ये दोनों में पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। थैंक यू।